पत्ते में भुना हुआ चिकन इसका बहुत लाजवाब है दोस्तों। आज वीकेंड है तो हम लोग निकल पड़े हैं प्री वेडिंग शूट पे। प्री वेडिंग शूट करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम मिला तो वाटरफॉल में थोड़ा मस्ती करेंगे और फिर भुने हुए चिकन खा के लौट आएंगे। दोस्तों ब्लॉग बहुत बढ़िया होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो में। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों देवझरन वाटरफॉल संबलपुर सिटी से 45 किलोमीटर है और संबलपुर भुवनेश्वर हाईवे में आता है। एक ढाबा है वहाँ पे जीतू ढाबा, वहाँ से 5 किलोमीटर आपको अंदर जाना होगा। वहाँ पे आप एंजॉय करके रिटर्न आके ढाबे में डिलीशियस लंच एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे भुना हुआ आइटम्स अच्छा मिलता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्सो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोनों फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। बहुत दिन बाहर घूमने के बाद आपका बहुत प्यार मिला हिमाचल ट्रिप को, वाइजैक ट्रिप को, कोरापुट ट्रिप को, तो अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे बोल के सोचे थे, लेकिन अभी आज आप लोगों के लिए फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ। क्योंकि एक जगह यहाँ पे वाटरफॉल जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, बढ़िया जगह है, उसका वीडियो भी बन चुका है पहले से, देवझरन वाटरफॉल, लेकिन वहाँ पे थोड़ा काम है, प्री वेडिंग शूट है, तो ब्लॉग बना देंगे बोल के सोचे और बना दे रहे हैं। तो चलिए निकलते हैं। दोस्तों आप अगर कहीं बाहर से भी हैं, संबलपुर टू भुवनेश्वर के हाईवे में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लंच प्लान कर सकते हैं। वाटरफॉल जा सकते हैं, वहाँ पे घूम के आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे लंच करके फिर अपना जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। संबलपुर टू भुवनेश्वर का हाईवे है और ये है देवझरन का रोड, यहाँ पे बोर्ड है और वहाँ पे जीतू ढाबा है। ये है लैंडमार्क, जीतू ढाबा का एकदम साइड में ही रोड जाता है देवझरन को। ये है देवझरन वाटरफॉल, 5 किलोमीटर है यहाँ से। पाँच किलोमीटर है यहाँ से, हम घुस चुके हैं रोड में और यहाँ से 5 किलोमीटर है देवझरन वाटरफॉल। ऐसा सुंदर जंगली वाला रोड है, जंगल भी बहुत और ये दोनों हैं, ये निके हैं, इसको तो जानते होंगे आप, पूरी में जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं फरवरी में, और ये नया मेंबर है हमारे फैमिली में। तो इन दोनों का प्री वेडिंग शूट के लिए ही जा रहे हैं हम, तो चलते हैं और क्या करेंगे, ज़्यादा बकरबाजी नहीं करेंगे, चलो। बढ़िया सा लेक है, लेक तो नहीं है, डैम है, देवझर डैम बोलते हैं। देवझरन जाने के टाइम में लेफ्ट साइड में ही आता है, ये रोड साइड में ही है, आप रुक के 5-10 मिनट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे तो जेटी भी दिख रहा है मेरे को, लेकिन बोट भी है बट काउंटर नहीं है, बस टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये सिंबल है, इसका मतलब क्या पता है आपको, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यहाँ पे पिकनिक भी कर सकते हैं। और वहाँ पे स्पॉट दिख रहा है मेरे को, और ये पूरा पानी के किनारे वो जगह देखी, यहाँ पे अगर कैंपिंग लगाए तो कैसा रहेगा, मैं सोच चुका हूँ, जल्दी प्लानिंग करते हैं यहाँ पे कैंपिंग का। क्या आप तो हो हमेशा इसमें फ्रेम में ही हो, और वहाँ पे हमारा बच्चे लोग का प्री वेडिंग शूट चल रहा है, प्री वेडिंग शूट भी चालू हो चुका है वहाँ पे, एक झलक देख सकते हैं।
ये झरन वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। प्री वेडिंग शूट वाले आगे आगे जा रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे यहाँ पे गाड़ी रखना होगा। और यहाँ से छोटा नैरो रास्ता है जिसमें चल चल के जाना होगा। नेचर ट्रेल ना, जंगल ट्रेल है ये। मैं जब आया था पिछली बार तो ये पेड़ में तो झूल रहा था प्रेमा, ये पेड़। हाँ, ये वाला पेड़ है। हाँ, ये ब्लैक वाला। और वहाँ कहीं पत्थर में कहीं पे ही खाए थे हम लोग, तो कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, वो फ्लैट वाला पत्थर में शायद। वो वाला वीडियो देखने से पता चलेगा। वो फाइनली, वाह 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 वाह। यहाँ पे वाटरफॉल होता है वहाँ पे तो हमारा वॉयस का कोई औकात ही नहीं है। नेचुरल वाटरफॉल का साउंड सुनिए और वाटरफॉल का व्यू देखिए। मैं थोड़ा नहाने का कोशिश करता हूँ, पानी तो बहुत ठंड है, फिर भी थोड़ा ट्राई करता हूँ। उधर प्री वेडिंग चालू है, इस लोकेशन का भी एक दो शॉट देख लीजिए। ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ अभी। यहाँ जो जीतू ढाबा बोला था ना, वहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, बाबू मटन। वहाँ पे जाके बाबू मटन अभी खाना खाएंगे। प्री वेडिंग में वैसा ही होता है, भूख टाइम का पता नहीं चलता, भूख बस ख़त्म हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है, लगता है ज़्यादा। तो चलो पहले खाना खाते हैं, देखते हैं क्या क्या है खाने में। पहले खाना ढूंढते हैं, बोलो कहाँ पे मिलेगा ये बाबू मटन खाएंगे। आप देवझरन वाटरफॉल कैसा लगा बताइए, और बना रही है ब्लॉग में कहीं मत जाइए। जयपाल जीत सिंघानिया सिंघानिया का ढाबा, सिंघानिया ढाबा नहीं, जीतू ढाबा। जीतू होटल है हाईवे में जो जहाँ से एंटर किए, वो ढाबा है। भूख पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना पक रहा है, अभी खाना लेके आ रहा है। खाने में क्या क्या है दिखा रहा हूँ आपको। नवा चिकन है पत्ते से, पत्ते में रैप करके ले रहा हूँ मैं। इसका टेस्ट बढ़िया है। रेडी हो रहा है मेरा कॉम्बिनेशन। गिरने वाला है, गिरने वाला है, गिरने वाला, गिरने वाला है। तो ब्लॉग खत्म करते हैं यहाँ पे, हम खाने पे फोकस करते हैं। आप वीडियो और एक बार देखिए। खत्म है, ब्लॉग खत्म है यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर।